ओके, मिस मावल के सेकंड एपिसोड में कहानी को आगे ले जाते हुए मावल वालों ने इसको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कर दिया है। बहुत सारी चीजें एपिसोड 2 के अंदर में रिवील करके बताई गई हैं और हमें ये भी बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं एंड का प्लॉट क्या होने वाला है, मतलब कहानी कहाँ की तरह सेटअप हो रही है। सो आज की इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। गाइस, मैं हूं सचिन का, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में हम देख सकते हैं कि कमाला खान को उसकी जो पावर्स हैं वो मिल चुकी हैं। अब वो उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर चुकी है ब्रूनो करेली के साथ में। दोनों बैठ के डिस्कस करते हैं कि किस तरह से उसकी पावर्स जो है वो काम करती है, और कहीं ना कहीं जो कमाला खान है ना, वो अपनी पावर्स को और अच्छे तरीके से डिस्कवर कर रही है। हम देखते हैं कि वो प्रैक्टिस वगैरह करके पूरी अपनी परफेक्शन उसके अंदर ले आती है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ी चीजें हैं जिसको उसको सीखने की जरूरत है। और ये तो हम बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि जो पावर्स है ना, जो उसके बैंड से आ रही है, उसके बारे में उसका ओरिजिन क्या है, ये किसी को भी नहीं पता है। तब एक कोर्ट के अंदर ब्रूनो पूछता भी है कि तुम्हारी जो पावर्स हैं ये कैसी फील होती हैं। तब कमाला जो है वो बताती है कि लाइक अ आइडिया। अब ये मैं ऑलरेडी अपनी थ्योरी वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि ये जो बैंड है ना, ये बेस्ड हो सकता है नेगा बैंड्स के ऊपर। एक्चुअली में नेगा बैंड्स का काम यही है, जो आप सोचोगे ना वही आपको मिल जाएगा। फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जब जोई गिर रही होती है ना, तब वो हैंड आगे लेकर आती है क्योंकि वो चाहती है उसको पकड़ना। अब हम देखते हैं इस एपिसोड के अंदर ना कि वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर कूदना चाहती है तो उसके नीचे एक बेस बन के वो पावर आती है। यानी अगेन मैं ये कहूंगा कि ये एक नेगा बैंड ही होने वाला है और कुछ भी नहीं होने वाला है। सीरीज के अंदर हमें एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करके दिखाया गया है जिसका नाम है कामरान, और हम देख सकते हैं कि कमाला को उस पे ह्यूज क्रश है। मतलब जैसे ही मैंने इस बंदे को देखा था ना, मुझे ये चीज़ पता चल गई थी कि ये बंदे के पास कुछ ना कुछ सीक्रेट्स हैं। और आप पूरे एपिसोड के दौरान देख सकते हैं कि किस तरह से वो कमाला खान को अलग से परस्यू कर रहा है, अलग से उसको एक तरह से देखने की कोशिश कर रहा है, उसको बता रहा है कि मैं तुझे पसंद करता हूँ, ताकि कमाला खान भी उसको जान जाए। पूरे एपिसोड में ये दिखाया गया है, वो साथ में उसको डेट पर भी लेके जाता है। और हम देख सकते हैं सीन के अंदर ना, उसके हैंड को भी टच करता है। हो सकता है यहाँ पर वो उसके ब्रेसलेट के बारे में जानता हो और एक तरह से उसके ब्रेसलेट की पावर्स को महसूस करने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसलिए ही पूरे एपिसोड के अंदर ना वो अपने आप को कमाला खान के ऊपर पुश कर रहा है। वैसे इन दोनों के इंटरेक्शन के साथ में वे भी देख सकते हैं, ब्रूनो करेली जो है ना वो थोड़ा थोड़ा किलस रहा है, तो इससे ये पता चलता है कि वो भी कमाला को लाइक करता है। बट हाँ, दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, लेकिन शायद इनको पता नहीं है। एपिसोड के कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स के अंदर में पता चलता है कि मुनीमा की नानी यानी जो कमाला खान है उसकी ग्रेट नानी जो है, फूस के पास कुछ सीक्रेट है। और जब वो कन्वर्सेशन करती है अपनी नानी के बारे में ना, तो हमें पता चलता है कि एक्चुअली में कुछ ना कुछ उसके साथ हुआ था। हमें हिंट भी देखने को मिलता है कि उसकी नानी के साथ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, और जब इंडिया पाकिस्तान वाला पार्टीशन हुआ था ना, तब वो गायब हो गई थी। अब ये गायब कैसे हुई थी ये तो हमें नहीं पता, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमारे सामने ये आती है, चाहे मुनीबा हो, चाहे कमाला खान हो, चाहे उसकी नानी हो, चाहे उससे बड़ी नानी हो, हमें ये चीज़ तो पता चल चुकी है कि इनकी फैमिली के अंदर ना कुछ जादू या फिर इस तरह का मैजिकल थिंग्स जो है वो रन करती है। पूरे एपिसोड के शो की थीम में आप यही देख सकते हैं कि फर्स्ट एपिसोड में भी दिखाया गया था कि जो स्टफ है वो नानी का है, और हमें पता चलता है कि एक्चुअली में जो बैंगल है ना, ये इसकी नानी की माँ से कनेक्टेड है, और उसकी नानी की माँ का क्या हुआ हमें पता भी नहीं चला। डिनर के टाइम पे जब सारे लोग डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली में मुनीबा की नानी के साथ में क्या हुआ, तो वो बताती है कि वो गायब हो गई थी, और उसकी जो बेटी थी यानी मुनीगमा की जो माँ थी यानी कमाला खान की जो नानी थी ना, वो एक लाइट को देखते हुए अपने ट्रेन के अंदर वापस पहुंच गई। अब मुझे लगता है कि सीरीज के दौरान ना आपको पार्टीशन वाला सीन दिखाया जाएगा, और फ्लैशबैक के अंदर एक्चुअली में दिखाया जाएगा कि उस टाइम क्या हुआ था। मुझे लगता है कि उसकी जो माँ थी यानी जो मुनीबा की नानी थी ना, वो नानी जाने वाली थी, लेकिन उसकी बच्ची खो गई थी, तो उसने क्या किया, एक तरह से ट्रेल बना दिया जिससे वो ट्रेन तक जा सके, और यही बात ये सारे डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली वो तो चली गई, लेकिन मुनीबा की जो माँ थी यानी जो एक तरह से इसकी नानी थी ना, उसको वो वापस अपनी फैमिली तक पहुंचा गई। हम देख सकते हैं इस कन्वर्सेशन के अंदर में ये पता चलता है कि ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये कमाला खान की माँ के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और वो इसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहती। इसका मतलब है कि उसकी फैमिली हिस्ट्री के अंदर ना कहीं थोड़े मैजिकल एलिमेंट जो है वो इंक्लूड हुए थे। फिर हमें दिखाया जाता है एक सीन जहां पर कमाला खान की जो पावर्स है ना वो मैनिफेस्ट होती है, और उसको कोई एंटिटी देखने को मिलती है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगा था कि ये इसकी नानी की माँ हो सकती है, जो कि एक्चुअली में यहाँ से चली गई थी और इससे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन एपिसोड के एंड में आते आते हमें पता चल चुका है कि एक्चुअली में कोई और ही कैरेक्टर है, और इसका रिवील हमें बाद में देखने को मिलेगा। उसके बाद हमें ईद का सेलिब्रेशन देखने को मिलता है, जहां पर जो कमाला खान है ना वो अपनी नानी की माँ के बारे में पता करने की कोशिश कर रही है, और सारे के सारे लोगों को पता है कि उसकी नानी की जो माँ है वो चली गई थी। कुछ लोग बोलते हैं कि वो एक स्नेक है, जो भी चीज़ें वो छूती हैं वो कर्ज हो जाती हैं, कुछ लोग बोलते हैं उसने एक आदमी को मार दिया था, कुछ लोग कहते हैं कि उसने अपने परिवार के ऊपर शेम लाने की कोशिश की थी। लेकिन आप ये चीज़ देख सकते हैं कहीं ना कहीं उसकी नानी की जो माँ है ना वो एक बैड कैरेक्टर है इस कम्युनिटी के अंदर, और हमें ईद वाले सीन दिखाए जाते हैं, ऑब्वियसली विच आर सो गुड।
फिर हमें दिखाया जाता है DODC जहां पर जोई जिमर को पकड़ के रख लिया गया है और इस बंदे ने स्पाइडरमैन का, हमारी एमजे का और आंट मे का एक तरह से इंटरोगेशन किया था ना, वही बंदे अब जोई जिमर को बैठा के पूछ रहे हैं उस पर्सन के बारे में जो कि उन्होंने फर्स्ट एपिसोड के अंदर देखा था, यानी वो कमाला खान के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालवाना चाहते हैं। इन्फॉर्मेशन के दौरान हमें ये पता चलता है कि एक्चुअली में वो जो कैरेक्टर है वो साउथ एशियन कैरेक्टर है, यानी कहीं ना कहीं उनको पता चल जाता है कि वो जो कैरेक्टर है ना वो पाकिस्तानी कैरेक्टर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं उनको ये पता चल जाता है कि वो जो सुपर हीरो है ना वो एक पाकिस्तानी सुपर हीरो हो सकता है और वो अब इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं इन सारी जगह पर और पता करने वाले हैं कि वो सुपर हीरो कौन था जिसकी वीडियो उन्होंने देखी थी। फिर हम देखते हैं बेवकूफ लड़का सेल्फी लेने के चक्कर में कूदने लग जाता है और गिरने वाला होता है। कमाला खान अपने कपड़े पहन के जाती है उसको बचाने के लिए। उसको बचाने के बाद हम देख सकते हैं अगेन उसकी पावर जो है वो मैनिफेस्ट होती है और कहीं ना कहीं हमें एक लेडी देखने को मिलती है। अभी जो लेडी है ये अभी भी नहीं पता है हमें कौन है, मैं अज्यूम यही कर रहा था कि इसकी नानी की माँ होने वाली है, बट एपिसोड के एंड में हमें पता चलता है कि ये कामरान की माँ होने वाली है, यानी वो जो बंदा था ना कामरान वो कमाला खान के बारे में जानता था और कहीं ना कहीं ये जानता है कि इसके पास वो ब्रेसलेट है। हो सकता है वो ब्रेसलेट लेने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है ये इससे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही हूँ, हो सकता है ये इसकी पावर्स पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि उस लड़के को बचाते वक्त जो है वो DODC के बंदे आ जाते हैं और वो कमाला खान के पीछे ड्रोन्स छोड़ देते हैं। ये वही ड्रोन है जो कि हमने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के अंदर देखे थे, बस उनको अपग्रेड कर दिया गया है। हम देख सकते हैं उनसे बच के वो भाग रही होती है तो कामरान आता है अपनी गाड़ी लेकर और बोलता है बैठो, फिर वो लेके जाता है उसको और उसकी माँ जो है वो कमाला खान से मिलती है और हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं कामरान को इन सब के बारे में पता है और एपिसोड हो जाता है खत्म। ईस्टर एग्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो एपिसोड के अंदर ज्यादा ईस्टर एग्स तो नहीं थे बट एक दो रेफरेंसेस थे, जैसे DDLJ के बारे में एक रेफरेंस था और वाजीगर के बारे में एक रेफरेंस था, मतलब वो दोनों बात करते कौन सी मूवी उनको अच्छी लगती है, साथ साथ जलेबी भाई वाला गाना बज रहा था विच इज गुड। तो या इसके अलावा कोई रेफरेंस नहीं था लेकिन कहानी इंटरेस्टिंग मुझे लग रही है, मुझे लग रहा है कि हाँ ये जो कहानी है ना मार्वल वाले ने थोड़े सिलेक्शन लगा के टाइम लगा के इसको रिफाइंड किया है और मुझे लगता है कि एपिसोड की शुरुआत में ना जो हमें चीज़ें दिखाई गई थी वो शो के एंड आते आते बहुत सारी चीज़ें आंसर होने वाली है और कहीं ना कहीं सबके ना एक एलिमेंट्स मुझे दिख रहे हैं वो होने वाले हैं नेगा बैंड से रिलेटेड। तो हाँ मुझे तो ये लगता है, बाकी आप लोग क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी तक मेरी स्पाइडरमैन 4 वाली वीडियो नहीं देखी ना तो यहां पर क्लिक कर लेना और देख लेना। बाय।